ये ईस्टर एक्चुअल में दिन है लोगों को गुड न्यूज देने का। मत्ती 28:16 से 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हाँ, 11 चेले, क्योंकि यीशु मसीह ने गवाही दी थी कि मैं मरने के बाद तुम्हें गलील में मिलूंगा। कहां में मिलूंगा? कहां में मिलूंगा? मरने के बाद में, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद कहां मिलूंगा तुम्हें? गलील में मिलूंगा। तो वैसा ही हुआ। और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य है। उसने कहा जाओ सब छातियों को करो, जाकर ये गुड न्यूज दो। यास ईस्टर का मतलब है लोगों को गुड न्यूज देना। क्या है मतलब? ईस्टर को मनाने का मतलब ये है, ईस्टर को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है? ये है कि सब जातियों को जाकर ये गुड न्यूज बताओ, ये सुसमाचार दो कि यीशु किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। बोलो क्या है? यीशु किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं है। वो इसलिए आया कि आपको उस पाप से जो शुरू में हुआ, ये सारी दुनिया कहां से आ गई? लोग कहते नहीं नहीं मेरा ये धर्म नहीं है, मेरी ये जाति नहीं है, मेरा तो रब ये है, मेरा तो ये है। अरे एक ही मनुष्य से उसने सारी इस पृथ्वी पर दुनिया को बनाया है, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे उनकी कोई भी भाषा है, हाँ, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, एक ही मनुष्य से उसने सब जातियों को बनाया। क्या बनाया है उसने? एक ही से। समझ आ रही है? इसलिए सारी दुनिया किसकी है? इसलिए उसने कहा मैंने जगत से प्रेम किया। हाँ, ऐसे नहीं वो कह रहा मैं उनसे प्रेम किया, वो कहता मैंने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जिस दिन आपकी इन बातों की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगी, आप शत्रुओं पर चढ़कर प्रचार करोगे, लोगों को आप बताओगे, होगा ऐसे। मैंने कहा ऐसे लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम शत्रुओं से चढ़कर क्या करो, प्रचार करो इस बात का, फिर आप करोगे। अब गली बली आप रास्ते पे भी जाओगे, आप ऑटो में बैठे तब भी आप बताओगे, अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ है आपके परमेश्वर डालेगा, बताओगे। आप शादी में गए आप वहां पे भी बताओगे लोगों को, आप किसी की डेथ होगी मरे होगी आप वहां पे भी गुड न्यूज दोगे। मैं ऐसा ही करता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब मैं काम करता ना, हर एक जगह में लोगों को बताता, हर जगह में लोगों को बताता यीशु मसीह के बारे। मेरा एक काम था तो वहां पे कुछ फैक्ट्री में मेरा इंटीरियर डेकोरेट का काम था, तो मैं ऐसे पूरा मटेरियल पूरा ऐसे काम लेता था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे मैं उस फैक्ट्री के ऑफिस का मैंने ठेका ले रखा था पूरा सारा। तो वहां पे पूरे वो जैसे भैया परिवार होते ना, जैसे बिहारी लोग है तो परमेश्वर के ही है ना, हम समझते हैं कि ये नहीं, ये हमारे नहीं है, तो किसके है वो? परमेश्वर के। तो वहां पे एक औरत अपनी बेटी को मेडिसिन दे रही थी, तो मैं अचानक को परमेश्वर मुझे, क्योंकि मैं चाहत करता था हर जगह, परमेश्वर मुझे बताओ यहां पे कौन है, क्योंकि मैं किसके लिए जीने लगा, मैं किसके लिए जीने लगा? जिस दिन आप उसके लिए जियोगे ना, दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे आएंगी। मैंने कहा दुनिया की सब वस्तुएं, सबसे अच्छी जॉब आपके पास होगी, सबसे अच्छा घर आपके होगा, सबसे अच्छे और वफादार बच्चे आपके होंगे। किस दिन? जिस दिन आप ऐसे जीना। तो जब मैं वो मेडिसिन दे रही थी, तो मैंने कहा
इसे क्यों दे रही, क्या हुआ इसे, कहते इसे बुखार है। तो वो ऐसे वो दवाई दे रही थी होम्योपैथिक, तो मैंने कहा इससे तो अच्छा नहीं होगा, आप दूसरी दो। हाँ बोलो कौन सी, एलोपैथ मतलब इंग्लिश मेडिसिन वो दो। उन्हें कहते इसके ना दिल में शेक है, तो मैं इससे अच्छा हो जाएगा, कहते नहीं ये तो बाबूजी ने दिया उन्होंने। मैंने कहा फिर कैसे होगा, वो कहते ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपया मांगा है, हमारे पास नहीं है अभी, हम दे रहे। मैंने उसे गुड न्यूज दी कि आप चाहते हो कि ये अच्छी हो जाए, वो कहती कैसे। तो मैं उसे बता रहा था ये, तब मैं नया नया प्रभु में आया, बिल्कुल नया, मैं अपना काम करता था, विश्वासी था, आपके जैसे ऐसे मीटिंग में संगति में बैठता था। कैसे बैठता था, संगति में, किसी की संगति में बैठता था, कोई मैं अगुआ नहीं था, कोई पास्टर नहीं, सेविक नहीं था मैं। तो मैंने गुड न्यूज दी, क्या वो विश्वास करते हो। तो मैं जब बता रहा था वो शर्मा रही, मैंने आत्मा में देखा वो अकेली थी छत पर, तो मैंने कहा अपने पति को बुलाओ। जैसे ही उसके पति को बुलाया, मैंने यीशु मसीह के बारे बताया, विश्वास करते हो, कहते यस। मैंने कहा आज सैटरडे था, अगले दिन संडे था, मैंने कहा मैं जहां पे आता हूं आप वहां पे आ जाओ। बस उन्हें विश्वास के बारे, उन कोई मिले नहीं, बस विश्वास किया, एक संगति सुनी, उन्होंने अगले दिन मंडे ही रिपोर्ट कराई। वो कहते हमारी बेटी का हमने टेस्ट कराया, कोई शेक नहीं है, वो बंद हो गया है। हाँ कोई दिल में शेक नहीं है, वो क्या हो गया है, बंद हो गया है। 10 साल हो गए थे, उसकी एक ही बेटी थी, आगे कोई बेटा नहीं, हुआ क्या, शैतान देखो, परमेश्वर ने ब्लेस किया, 10 साल से बेटी के बाद आगे बच्चा नहीं, उसे कंसीव नहीं कर पा रहे, ब्लेस किया 10 साल बाद, वो बेटा चाहते मगर बेटी हुई, जिसके कारण मन खराब कर लिया, उसके पति ने आगे पीछे हो गए। मैंने बहुत समझाया, बाद में नहीं समझे। फिर जब दूसरी बार उन्हें फिर से परमेश्वर ने ब्लेस किया, मैंने फिर आए, मैंने समझाया, फिर दूसरी बार परमेश्वर ने बेटे से भी ब्लेस किया। कुछ लोग शरीर में है तो मन खराब करते हैं। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे क्या रहूंगा, साथ रहो। ये गुड न्यूज दो, ये लोगों को सुसमाचार दो, ये ईस्टर मनाने का ये मतलब है। बोलो क्या, ईस्टर मनाने का मतलब ये नहीं है, ये असली रियल ये नियम है ईस्टर मनाने का, कि उसने कहा सब जातियों को जाकर क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई चेलों को कहा उन्हें भी मानना सिखाओ। अब लोग 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो आप अरे उसके प्रेम को आप उसको लज्जित कर रहे हो, माइंड ना करना, क्या कर रहे हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लज्जित। अगर ये ड्यूटी आपके जैसे मुझे कुछ चाहिए, यहां पे मैं बैठना होता सिर्फ अपने काम के लिए तो मैं 7 बजे भी आकर बैठता, पर मैं आपके लिए मुझे घंटों बैठने पड़ते, परमेश्वर से ऐसे लेने के लिए मुझे रात रात भर जागना पड़ता है। मैं जब जाता हूं, मैं अभी मैं अपनी मिसेस को, मैं जब नहाकर रेडी हो रहा था जल्दी जल्दी, तो मैं से कह रहा था अब मैंने 2 मिनट रुको, मैंने अभी और प्रेयर करनी है 2 मिनट के लिए, पर टाइम नहीं था इतना, फिर निकलना पड़ा। ऐसे इतना लालच करता हूं मैं, और परमेश्वर से ले लूं थोड़ा और ले लूं, ऐसे करता हूं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। क्या करते हैं परमेश्वर आपसे, प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। कितने लोगों को समझ आ रही है, ये ईश्वर मनाने का यह मतलब है कि जाओ लोगों को यह गुड न्यूज दो। क्या दो लोगों को, तैयार हो गुड न्यूज देने के लिए, अगर तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए, आपके सब हालातों को खत्म करने के लिए। मैंने कहा वो तैयार है। अगर आप, आपको समझ आ गई है कि उसने क्रूस पर अपना जीवन देकर मेरे सब दुखों को लिखा, जब वो मरा तो हम भी उसके साथ मर गए, जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ, इसे लिखा अब नए जीवन की सी चाल चले और पुरानी इंसानियत को लिखा करनियों समेत उतार डाले। हाँ हाँ, अब गुस्सा विरोध वो सब शरीर की चीजें लिखा छोड़ दो। आज भी लोग करते हैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे, ये हमारे ये बड़े साहबजादे इनमें से भी ऐसे हैं। हाँ कुछ लोग हमारी ये टीम में भी है, कुछ बच्चे हैं, ये भी क्या हो जाते हैं कभी भाई शरीर में आ जाते हैं। मैं समझाता हूं, इसलिए याद रखना माफी मिल गई है पाप की। बोलो क्या है,
पाप की माफी तो मिल गई है। बोलो क्या है, पाप की माफी मिल तो गई है, मगर एक याद रखना, आपके ब्लड में जो खून है उसमें पाप है। इसीलिए जब आप आज्ञा को मानते नहीं तो वो फिर उसी समय तुरंत काम करना, क्योंकि आज्ञा माननी है। बोलो क्या है, आज्ञा को मानना है। जब नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, रूठ जाते हैं, मन खराब कर लेते हैं, तो फिर पाप फिर से अपना काम शुरू कर लेगा। अब अपना मन खराब करके कहीं पर भी जाओ तो शैतान दुगना इस्तेमाल करेगा। कि लोग मन खराब करके दूसरी जगह चले जाते ना, अगर आप में से कोई दूसरी जगह आया है तो पहले मुझे अपनी कहानी बनाना बताना कि मैं उस चर्च में जाती थी, उस चर्च में जाता थी, इतने साल में गई, मैं उतने साल गया, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे 8 साल 10 साल हो गए, मुझे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, मेरे घर के हालात सही नहीं हुए। सबसे पहले मुझे बताना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे नहीं होंगे हालात। बोलो क्या है, कैसे नहीं हालात सही होंगे, देखना कैसे होंगे हालात सही, कैसे सब कुछ। आप दूसरों के हालातों को चंगा करने के लिए हाँ आप चुने गए हो, इसलिए कि दूसरों के लोगों के हालातों को सही करो। आप क्यों चुने गए हो, कि आप दूसरे लोगों के हालातों को सही करो। पर होता इसलिए नहीं है सब कुछ सही, क्योंकि जब मन खराब करके कोई भी बंदा कहीं पर भी चले जाए तो कुछ नहीं होगा। अरे शैतान आपको मूर्ख बनाएगा, थोड़ी देर हो सकता कुछ कर देगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि आप शरीर से जा रहे हो आत्मा से नहीं, तो धीरे धीरे वो अपनी झुकती में फंसाएगा, बुरी तरह फंसाएगा। फिर मेरे पास भी आने से शर्म करोगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो फैमिली आई है जो आज से 3 साल पहले हमारे साथ जुड़ी थी, शेर शेरे के परिवार जो मैं जी आए हैं, ये फैमिली, अगर एक जन खड़ा हो जाओ मैं इनके बारे बताता हूँ। जगजीत भी खड़े हो जाओ। तो जब मैं ऐसे पूछता हूँ ना, कई लोग गुस्सा कर लेते, ओ जी तू ही खड़ा करके की किता। अरे नहीं, अरे ऐसे नहीं है जिस, अरे उसने आपको जीवन देने के लिए अपने मुंह पर थुकवाया, उसने थप्पड़ तक खाए। हमने उस दिन सुना कैसे वो सरकंडे उसके सिर पर मार रहे थे, कैसे उसके कांटों का ताज कस दिया, कोड़े खाए, क्या हाल हुआ। हम दो बातें, कोई कुछ बोले तो मन खराब, हमने नहीं आना जी, सानू उन्होंने उदा क्या आया, हाँ असी नहीं इतने आना होना हूं। इन्हों के साथ, इन्हीं के परिवार के साथ ऐसा ही हो गया। क्या हो गया, इनकी माँ ये भी आते थे, बुद्धि लगाई, अपनी बुद्धि, कुछ लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। किसी ने कहा मैं उस पास्टर से मसा हुआ हूं, इनके घर में वो सेवा शुरू कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। इसकी इसकी पत्नी की डेथ होगी, अभी मदर की डेथ है, कई जमीन ट्रक तक थे बिक के, बहुत नुकसान, क्योंकि बुद्धि से किया, सोखा काम किया ना, इतनी दूर इस चर्च में आना है, ओ अच्छा इतने करे या मसा हो या इतने करे, छत पे लाड़ो बंदगी, कैसे कर लो, छत पे लगा लो बंदगी, छत पे कर लो घर पे, या सोखा काम या उथे 20-30-50 रुपए किराया लगूगा, तो नले तुपे ते इतने 2 घंटे चल, 10 बजे शुरू ते 11-12 बजे खत्म, ते मुड़ के सोवा, आओ चलो जी, हाँ बड़ा बड़ा उथे एवं 3-4 बजे, हाँ वहां पे कितने, वो उठे तो 3-4 बजे से, और बड़ा बढ़िया सोखा काम है, करे जी इतने ही। बोलो क्या है ये सोखा, अरे कर्म नहीं करोगे तो बाइबल बताती आपका विश्वास व्यर्थ है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो बाइबल हमें बताती आपका विश्वास करना व्यर्थ है, फिर मसीह का मरना भी व्यर्थ है। इसलिए पॉलस कहता ये चैप्टर आपको, मैं ये आपको वो स्कूल में क्या देते हैं बच्चों को, होमवर्क कहते हैं ना, ये 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय सारा पढ़ना, जाकर क्या पढ़ना 15 अध्याय, वहां पे लिखा पॉलस कहता अगर मुर्दे जी ना उठते तो मसीह भी ना जी उठता, क्योंकि एक दिन हम जो लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं हम मर भी गए, हम जीवित रहेंगे अगर वो दिन आएगा उसकी क्यामत का, जो उसने कहा हाँ? बोलो क्या है, जब यीशु मसीह मरकर 40 दिन चेलों के साथ प्रचार करता रहा ना, तो जब वो उठाया गया उनके सामने तो ऐसे देख रहे थे ऊपर को, क्या कर रहे थे, तो स्वर्गदूत आया, उसने कहा जिस हे गलीली पुरुषों जिसे तुम देख रहे हो उसी रीति वो फिर वापस आएगा, क्या आएगा,
और जब वो वापस आएगा, अगर हम जीवित रहेंगे तो बाइबल बताती उसके साथ हवा में ऐसे उठाए, क्या दृश्य होगा, क्या नजारा होगा, लोग अपनी जगीरों को, जायदादों को क्या करेंगे, क्योंकि इसने कहा तुम्हारा देश ये नहीं है, तुम भी इस देश के नहीं हो, मैं भी नहीं था और तुम भी नहीं हो। लिखा हम जीवित रहेंगे तो उसके साथ ऐसे हवा में उठाए जाएंगे, अगर मर भी गए तो फिर कब्रों में से क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए वो कहता अगर तेरी आंख पाप करती है उसे निकाल दे, काना हो कि उसके राज्य का क्या बन जा। पाप करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे गंदी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, कई मन में पाप के जैसे ख्याल लेकर आते हैं, लड़कियां भी, लड़के भी, औरतें भी, बंदे सियाने भी, बूढ़े लोगों को, मैं बता दूं बूढ़े लोगों को भी, पाप एक ऐसा बड़ा वायरस है। कल परसों बंदा आया था, वो आज आए नहीं, हालात बहुत उनके बदतर है, 15 लाख का उन पर कर्ज है, वो आए भाई साहब आज नहीं आए। अब ये हाल देखो, 15 लाख का कर्ज है, बुद्धि से कर्ज ऊपर ले। मैंने सही चीजें बताई जिससे परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है। मुझे बता रहा था, कहता ये आंख का पाप मुझसे बहुत होता है जी, इससे क्या करूं। मैंने कुछ चीजें समझाई और मैंने बोला और बड़े रहना, मैं और समझाऊंगा, क्या करूंगा मैं और भी। अरे सियाना बना बंदा, बड़े बच्चे उसके बस जवान है, इतने ऐसे लोगों को पाप इस्तेमाल कर रहे हो, तो नौजवान लड़की लड़कियों को क्यों नहीं करेगा वो, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। उसने कहा आंख को निकाल दे, काना हो कि उसके राज्य का वारिस बन। अगर तेरा हाथ पाप करता है तो उसे काट दे, टुंडा हो कि उसके राज्य का वारिस बन। अगर तेरा पांव तुझे बुरे रास्ते में लेकर जाता उसे काट दे, लंगड़ा हो कि उसके राज्य का क्या बन जा, वारिस बन। आमीन। आप हो, आई होप, मैंने कहा आप वारिस हो, मैं बिलीव करता हूं, मैंने कहा मैं आई होप, मैं विश्वास करता हूं आप उसके राज्य के वारिस हो, और आप शैतान आपको पाप कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, हालात कोई आपको आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। करते विश्वास, हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो इन बातों के लिए, आज की इस गुड न्यूज को फैलाने के लिए, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने के लिए। अगर आप अपने मन को तैयार कर रहे हो आज कि मैं सब लोगों को जाकर, इस संसार के लोगों को, जैसे चेलों ने कहा जाओ तुम सब जातियों को जाकर बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई उन्हें भी माननी सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आप विश्वास करते हो उसके राज्य को फैलाने के लिए, ये गुड न्यूज देने के लिए, ये नहीं कि आज ईस्टर है, नाचने का दिन है, सिर्फ चंगियाई लेने का दिन है, बरकत देने का दिन है, ये ईस्टर एक्चुअल में दिन है लोगों को गुड न्यूज देने का, ये गुड न्यूज देने का दिन है लोगों को, ये सुसमाचार देने का ये दिन है आज। अगर आप ये अंगीकार कर रहे हो आज के इस वचन के द्वारा, अपने हृदय में इस बात को मान रहे हो, उसका अंगीकार कर रहे हो, उसके मरने का और उसके जी उठने का, जैसे पत्रस ने कहा कि ये चिन्हों और चमत्कारों से था कि वो पूर्व ज्ञान से पकड़वाया जाएगा और तुम अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर मारा जाएगा, पर लिखा यह होना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। ये गुड न्यूज है पूरी दुनिया के लिए। अगर आप सच में उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो तो आज से अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर वो बच जाएं, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, अपने सब क्षेत्र के लोगों के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस पाप से बच जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा इस स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे तुम बचाए जाओगे, वो एक ही नाम है यीशु। अगर आप आंखें बंद करके इस बातों का अंगीकार कर रहे हो और विश्वास कर रहे हो कि सच में यीशु मेरा सच्चा प्रभु है जो मेरे पापों के लिए मरा और मर के फिर तीसरे दिन जी उठाए, अगर आप अंगीकार कर रहे हो, मैंने कहा अगर आप अंगीकार कर रहे हो उसकी गुड न्यूज फैलाने के लिए, आज अपने मन को तैयार कर रहे हो,
मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं कि आज से दुख आपके जीवन का हिस्सा ना रहे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम आपके जीवन का हिस्सा ना रहे, गरीबी आपके जीवन का हिस्सा ना रहे, बीमारी आपके जीवन का हिस्सा ना रहे। अगर आप अंगीकार कर रहे हो, मैंने कहा अगर आप अंगीकार कर रहे हो तो ये खुदा की सामर्थ का हाथ आज आपके ऊपर आ रहा है। मैंने कहा उसकी सामर्थ का, उसके जी उठने की सामर्थ का हाथ आपके शरीरों पर आ रहा है। मैंने कहा वो आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है। अगर आप पाप में हो, अपने जीवन में पाप है, अगर आप लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, अगर किसी भी किसी के साथ कोई वो नजायज फ्रेंडशिप वाली चीज है तो मन फिर आवाज। अगर ग्रेस को देखना चाहते हो, परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हो, जिसने अपने शरीर पर इतने कोड़े खाए, हाथों में की लिए, तो मन फिराओ। कुछ लोग जगह छोड़ देते हैं, पाप को नहीं छोड़ते। वो जगह बदल लेंगे, संगति बदल लेंगे, मगर वो मन नहीं फराएंगे। यीशु ने कहा मन फिराओ, जाओ जाके सब जातियों को ये गुड न्यूज दो। अगर मन फिरा रहे हो, आप उसकी सब आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो। मैंने कहा जैसे उसने कहा जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। अगर आप मान रहे हो कि आज से मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने मन खराब नहीं करना, चाहे मुझे कोई भी कुछ कहे, चाहे मुझे घर में वाले कुछ कहें, मुझे टीम कहे, खुदा तेरा दास मुझे कुछ भी कहे, आज से मैंने मन खराब नहीं करना, मैंने सिर्फ मैं प्रेम के लिए कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं उसके प्रेम के लिए ऐसे बहुत ये अंगीकार करा रहा हूं। क्योंकि जब तक आप शरीर में हो, आपकी ब्लेसिंग आपकी आशीष रुकी रहेंगी। इसलिए आज मन फिराओ, आज ईस्टर को मनाने का आपके लिए एक बड़ा दिवस, ये एक मौका है, ये आपके पास एक बड़ा मौका है। अगर आप अंगीकार कर रहे हो परमेश्वर में अपने जीवन का पहला स्थान दूंगी दूंगा, मैं टाइम से आऊंगी तेरी हजूरी में, टाइम से मेरे परमेश्वर आऊंगा, जो तूने पुराने नियम में इसराइलियों को आज्ञा दी थी 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम का मानने के लिए, तो मैं आज से करूंगी, मैं करूंगा। अगर आप इन बातों का अंगीकार कर रहे हो, स्वर्ग आज आपके लिए खुल रहा है। मैंने कहा स्वर्ग खुल रहा है, मैंने कहा अगर आपकी आत्मिक आंखें हैं तो स्वर्ग खुल रहा है। आप स्वर्ग की हर आशीषों को अपने जीवन में पूरे होते हुए देखोगे, जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। पहले से ही उसके बारे जो बातें लिखी गई थी उसने पूरी की। आज से हजारों साल पहले ये आज्ञाओं को, नियमों को मानने का आदेश परमेश्वर ने पहले से ही लिखकर दे दिया आपको। अगर आप तैयार हो, मैंने कहा अगर आप तैयार हो तो अंगीकार कर रहे हो, तो आज परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। मैंने कहा उसकी सामर्थ आपको छुएगी। आज आपकी रसौलियां गिल्टियां हवा में उड़ेंगी, पत्थरियां उठ जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी और मरे हुए अंग जी उठेंगे। मैंने कहा मरे हुए अंग जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अंगीकार कर रहे हो, मैं अंगीकार करा रहा हूं आज, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में ले सको। करो करो, मुझे मत देखो, कोई लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने क्या करना, मैं तो आपके जैसा हूं। अरे मैंने थोड़ी कुछ करना है, करना उसने जो आपके पापों के लिए मरा और मर के जी उठा है। मैं तो सिर्फ उसका ठहराया हुआ, सिर्फ एक उसका पात्र हूं जो उसके लिए इस्तेमाल होता हूं, उसकी महिमा के लिए, जो मुझे इस्तेमाल करता है आपके लिए। अगर आप अंगीकार कर रहे हो, आप आज से उसके साथ जीने के लिए फैसला कर रहे हो, तो आप उन सब आशीषों को, उन कामों को पूरे होते हुए देखोगे। मैंने कहा उन कामों को पूरे होते देखोगे। आपने जिन चीजों में लाखों खर्च किए, मैंने कहा आपने लाखों खर्च किए, वो काम फिर भी हुए नहीं है, पर उसके जी उठने की सामर्थ से वो काम पूरे होंगे। मैंने कहा अगर आपका आमीन ऊंचा है,
जय आशीषें आपकी आस, जय आशीषें आपकी हैं।